सुप्रभात मित्रों, मैं विनोद सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीमा ज्ञान नॉलेज शेयर पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लगातार नॉलेज शेयरिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वेबसाइट से सैलरीड एम्प्लॉइज अर्थात वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया जानेंगे। अब आपको किसी CA वकील या अन्य व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in वेबसाइट पर एंटर करना होगा। यहाँ एंटर करने पर आपको ये मैसेज दिखाई देगा जो कि 31 जुलाई 2018 31 जुलाई 2018 की डेडलाइन को शो कर रहा है। विशेष तौर से आप इस डेडलाइन को ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में ज़्यादा देरी करते हैं तो इसके लिए आपको लेट फीस के रूप में 5,000 रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आप इसके ई वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP, डीमेट अकाउंट, बैंक ATM, बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग में से किसी भी एक माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो व्यक्ति अभी पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, उनके लिए वेबसाइट पर ऑफलाइन यूटिलिटीज डाउनलोड ऑप्शन ऑफलाइन यूटिलिटीज राइट साइड में दिया हुआ है, यहाँ पर आप एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स दिखाई देंगे। यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें 2018-19 और ITR 1 में से एक्सेल यूटिलिटी, ये एक एक्सेल फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी। इस एक्सेल फाइल में डाउनलोड होने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स और सैलरी डिटेल्स स्वयं फिलअप करें। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पहले से फिलअप की हुई है। इन डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें। आपकी लॉगिन ID, आपका पैन नंबर होगा तथा पासवर्ड एंटर करके आप जैसे ही इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वेबसाइट के ITR फिलिंग प्रोसेस तक पहुँचेंगे, यहाँ आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से असेसमेंट ईयर आप जरूर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 का असेसमेंट ईयर 2018-19 है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमने सही सेलेक्ट किया है। ITR फॉर्म नेम ITR 1 जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए उपयोग में लिया जाता है वो सेलेक्ट करें। सबमिशन मोड में यहाँ पर आपको प्रिपेयर एंड सबमिट या अपलोड एक्सेल यूटिलिटी, इनमें से किसी एक ऑप्शन का सिलेक्ट करना होता है। या हमने प्रिपेयर एंड सबमिट ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्योंकि ये प्रोसेस ज़्यादा सरल होता है एक्सेल फाइल अपलोड करने की तुलना में। इसके बाद आपके पिछली बार भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से ऑनलाइन सारी जानकारी अभी भरने जा रहे इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी, इसलिए आप यहां से सिलेक्ट कर लें कि कौन कौन सी डिटेल्स आप नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर पुरानी डिटेल्स से प्राप्त करना चाहते हैं। ये सेल्फ ऑटोफिल प्रक्रिया हो जाएगी। यहां नीचे इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने आधार OTP ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे सबसे पहले पेज पर। इसमें विशेष तौर से ये बात ध्यान रखने की है कि 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बीच में आप लगातार सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें, क्योंकि यदि आपने अपनी सैलरी डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स इस पर लगातार एंटर करते रहे और इसको सेव नहीं किया तो 15 मिनट होने पर ये स्वतः ही टाइम आउट हो जाएगा और आपकी एंटर की हुई सारी डिटेल्स खत्म हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि आपकी मेहनत किसी भी तरह से बेकार जाए। यहाँ सारे अमाउंट आपको इंडियन रुपीस के अंदर एंटर करने हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी एड्रेस डिटेल्स फिलअप करें। इन्हें एंटर करने के बाद आधार नंबर एंटर करें, सेव ड्राफ्ट बटन पर जरूर क्लिक करें। नेक्स्ट टैब यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स ये पेज दिया हुआ है। यहाँ आप अपनी सैलरी की
डिटेल्स क्लासिफिकेशन फॉर्मेट में जैसा कि हमने एक्सेल सीट में तैयार किया था उस फॉर्मेट में डालें। सैलरी में एक्सक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस परक्विसाइट एंड प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, इस हेड में आप एम्प्लॉइज अपने मूल वेतन अर्थात बेसिक पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टोटल एंटर करें। अलाउंसेज नॉट एग्जेम्प्ट के अंदर आप डियरनेस अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस का अंतिम वित्तीय वर्ष का टोटल एंटर करें। इसके बाद प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, यहाँ हमने नए एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस का वह अमाउंट जो सरकार भुगतान करती है बिल्कुल इक्वल अमाउंट जो कि एम्प्लॉय स्वयं कंट्रीब्यूशन करता है वो अमाउंट यहाँ आप एंटर करें। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपको मकान या इस प्रकार की किसी गृह संपत्ति से किसी प्रकार की आय प्राप्त होती है तो वो यहाँ एंटर करें। पॉइंट नंबर थ्री में आपको B3 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ आपको एंटर करनी है। बैंकों से किसी भी तरह से प्राप्त इंटरेस्ट या किसी बाहरी काम से यदि आपको किसी प्रकार की आय प्राप्त हुई है तो वो डिटेल्स एंटर करें। सेक्शन 80C में अपने इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और इक्विटी ये सब एंटर करें। यदि आपने PPF, LIC, PLI इन सब में से कोई भी आप कंट्रीब्यूशन अंतिम वित्त वर्ष में कर चुके हैं तो उनका एंटर आप 80C के अंदर पॉइंट नंबर ए पर करें। पॉइंट नंबर बी में आप पेंशन फंड, नए एम्प्लॉयज़ के लिए NPS और पुराने एम्प्लॉयज़ के लिए GPF होता है, 80CCC के अंदर आप ये अमाउंट एंटर करें। 80CCD2 के अंदर आप अपने एम्प्लॉयर द्वारा आपके अगेंस्ट में किए गए NPS कंट्रीब्यूशन के सेम अमाउंट को एंटर करें। 80GG आपने अंतिम वित्तीय वर्ष में जितना रेंट पे किया है वो अमाउंट यहाँ एंटर करें। 80TTA के अंतर्गत आप अपने बैंक से प्राप्त हुए इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 रुपये तक छूट प्राप्त कर सकते हैं, वो अमाउंट यहाँ आप एंटर करें। टोटल डिडक्शन यहाँ आपको प्राप्त हो गया है और टोटल इनकम यहाँ कैलकुलेट होके टैक्स पेबल और कितना अमाउंट की रिबेट आपको 87A के अंतर्गत मिलेगी सब अमाउंट कैलकुलेट होके टोटल टैक्स 1481 रुपये यहाँ कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर टैक्स डिटेल यानी कि गत वित्तीय वर्ष में आपके सैलरी से कटौती की गई TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इनकम टैक्स कटौतियों की बारे में डिटेल्स जहां 10 नंबर एंटर करके हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहां आप देख लें कि अंतिम वित्तीय वर्ष में हमने कितना टैक्स पे किया है और आपका रिफंड कितना बन रहा है। आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ एंटर करें। आप नीचे डिक्लेरेशन में यदि आप स्वयं का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो इंडिविजुअल एंटर करें, प्लेस एंटर करें और ड्राफ्ट को सेव करके अगले टैब की ओर बढ़ें। यहाँ 80G यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न की रिबेट के लिए कहीं भी किसी धर्मार्थ संस्था या साइंटिफिक रिसर्च संस्था या इस प्रकार की किसी संस्था जिसका 80G में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको आपने किसी प्रकार से दान किया है तो उन संस्थाओं के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी और कितना अमाउंट आपने डोनेशन किया है और उन संस्थाओं के पेन नंबर यहाँ एंटर करें। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर प्रीव्यू एंड सबमिट ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ प्रीव्यू डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इनकम टैक्स रिटर्न का प्रीव्यू इस प्रकार प्राप्त होगा, इसमें वो सभी अमाउंट और वो सभी पर्सनल डिटेल्स, इनकम टैक्स डिटेल्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी जो आपने ऑनलाइन यहाँ एंटर की हैं। ये डिटेल्स, ये डेटा आपके पास भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। पुनः आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आप अपने आधार नंबर का यूज करते हुए यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरेट OTP फॉर ई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस पर क्लिक करने पर आपको अपने आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। वो वन टाइम पासवर्ड आप यहां एंटर करके एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है, आप इसे पूर्व में फाइल हुए रिटर्न्स की लिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की संपूर्ण प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये प्रक्रिया जानने के बाद आप भविष्य में अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने संबंधी प्रोसेस स्वतः कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।